हेलो जी, स्वागत है आप सभी का और आप देख रहे हैं रुपिंदर सिंह व्लॉग्स। और जी आज आपको लेके चल रहे हैं लोहागढ़ का किला। और जी मेरे बाईं तरफ ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं ये ही है लोहागढ़ का किला। ये जो पहाड़ की तरह लग रहा है और ये इसकी दीवारें जो बहुत दूर तक फैली हुई हैं। लोनावला की पहाड़ियों के बीच में समाया हुआ एक लोहागढ़ का किला प्राकृतिक नज़ारे के साथ देखने का मज़ा ही उसका अलग है। बरसात के मौसम में अगर आप जा रहे हैं, सबसे अच्छा टाइम होता है बरसात के मौसम में यहाँ घूमने का। यहाँ का नज़ारा ही अलग होता है। और जी ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये पहाड़ को काट के बनाया गया है, पहाड़ के बीच में से रास्ता निकाला गया है। बहुत ही सुंदर लग रहा था भाई, बहुत प्यारा, बारिश की बूंदें। तो ये है जी स्टार्टिंग पॉइंट किले के ऊपर चढ़ाई करने का। और यहाँ पे मिलेगा आपको टिकट 40 रुपीज़ का। और अगर आप 15 अगस्त के आसपास जाते हैं तो यहाँ पे सारी एंट्री फ्री होती हैं 15 अगस्त के आसपास। और भाई साहब ये नज़ारा देखो, कितना सुंदर सा नज़ारा है। मतलब इतना सोचा नहीं था कि इतना अद्भुत दृश्य हो सकता है वहाँ का। और जी बरसात के नज़ारे के साथ एक बहुत ज़रूरी चीज़, बरसात के मौसम में छाता और रेनकोट ले जाना ना भूलें, क्योंकि नीचे जो शॉप्स हैं वहाँ पे जो पन्नी वाला रेनकोट है जो 20-20 रुपये का मिलता है, वो 250-250 रुपये का देते हैं। तो बरसात के मौसम में इस किले को घूमने का, इसके ऊपर ट्रैकिंग करने का एक अलग ही नज़ारा है। वैसे तो ये किला कई राजवंशों के हाथ में रहा, बहमनी, निज़ाम, मुगल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, यादव, मराठा, बहुत सारे वंशों ने इसके ऊपर राज किया। 1648 में छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले पर विजय प्राप्त करी और अपने कब्जे में से ले लिया। लेकिन कुछ ही समय बाद 1665 में एक संधि के दौरान ये कब्जा कर लिया मुगलों ने। अब ये मुगलों के पास चला गया। और ये किला बरसात के मौसम में घूमने से बिल्कुल ऐसा लगता है पानी ऊपर से गिर रहा होता है और आप नीचे उस सीढ़ियों से चढ़ रहे होते हैं। टूटी टूटी सीढ़ियों के ऊपर बरसात का पानी ऊपर से गिरता हुआ बिल्कुल ऐसा सा प्रतीत होता है कि आप एक झरने के ऊपर चढ़ाई कर रहे हो। और ऐसा सा अद्भुत नज़ारा शायद ही कहीं और देखने को मिलता होगा। यहाँ पे गुफा भी थी, गुफा के अंदर पानी भरा हुआ है। ये प्राचीन काल की एक गुफा है, बरसात के पानी से यहाँ पे पानी भर जाता है। और ये देखिए मौसम कितना प्यारा है, मतलब बयान नहीं कर सकता शब्दों से। मैं जब वहाँ था तो वो जो फीलिंग थी वो एक अलग ही थी। झरने यहाँ पे पहाड़ों के ऊपर इतने झरने देखने को मिलेंगे कि आप सेल्फी खींचते खींचते ही रह जाओगे। लोहागढ़ के रास्ते में चार दरवाजे आते हैं, जिसमें गणेश दरवाज़ा, नारायण दरवाज़ा, हनुमान दरवाज़ा और महा दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। और इन दरवाज़ों पर बहुत अच्छी सुंदर नक्काशी देखने को मिलती है। किले की दीवारें पानी के साथ ऐसी लग रही हैं जैसे असली में ही लोहे का किला है, बिल्कुल अद्भुत। और जी इस किले का जो रास्ता था, ऐसा रास्ता मैंने आज तक किसी किले का नहीं देखा। और अद्भुत नज़ारा तब बन जाता है जब यहाँ बरसात के मौसम में आया जाए। भैया लोहागढ़ किला में, यह है लोहागढ़ किला का टॉप एकदम। और मौसम देख ही सकते हो कितना भयानक हो रखा है। यहाँ पे ये तोप वोप रखी हुई है छोटी छोटी सी। और ये लोहागढ़ के किले के अंदर वैसी चीज़ें नहीं बनेंगी जैसी जयपुर में किलों में है, बड़े बड़े ऐसा कुछ नहीं है। ये ऊपर किला है, टूट गया है फिलहाल। अब तो अभी यहाँ पे एक मंदिर है शिवजी भगवान जी का। मौसम देखो यार, बस मौसम इतना भयंकर है भाई साहब, गजब। और जो टॉप पे पहुंचने के बाद यहाँ पे एक दरगाह है और एक यहाँ पे मंदिर है, ये दो चीज़ आपको देखने को मिलेंगी। और जो मौसम है भाई साहब, उसके तो कुछ कहने ही नहीं है। और जी ऐसा माना जाता है कि जब यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का शासन था तो वो इस किले में अपना खजाना रखते थे। और जी ऐसे मौसम के बाद जब हम नीचे पहुँचे तो चाय और मैगी देख के जो मन खुश हुआ, असली तृप्ति जिसे कहते हैं। और जी बरसात के टाइम पे यहाँ पे ना हर जगह वाटरफॉल देखने को मिल जाएगा। थोड़ी थोड़ी दूर में आपको बहुत सारे वाटरफॉल देखने को मिलेंगे। अगर आपने यहाँ तक मेरी वीडियो देख ली है तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि अगर आप यहाँ कभी घूमने जाओ महाराष्ट्र के लोनावला साइड में, तो आप कोशिश करिए कि बरसात के मौसम में जाओ, क्योंकि
क्योंकि भैया बरसात में जाने का जो आपको यहाँ पे फील आएगा वो एक अलग ही होगा। और नॉर्मल डेज़ में आप कभी आओगे से गर्मी के मौसम में तो यहाँ पे बहुत गर्मी होगी, इतना अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन बरसात के मौसम में हरी हरी वादियों से निकलते हुए झरने, ऐसा प्रतीत होगा कि आप स्वर्ग में आ गए हो। बहुत ही प्यारा सा नज़ारा। और जो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।